तो हेलो गाइस, दिस इज विख्यात तिवारी चैनल ऑल्सो नोन एज चालबाज की दुनिया। और ये एक फैक्ट है, इस चैनल का नाम पहले चालबाज की दुनिया हुआ करता था, बट वो अब चेंज होकर विख्यात तिवारी हो गया। चेंज करना पड़ेगा इंट्रो को। तो नेक्स्ट जो वो बात बताने जा रहा हूँ वो है कि मैं एक कार शूट पे जा रहा हूँ। एक हमारे यूट्यूबर फ्रेंड हैं जिनकी कार्स का हम शूट करने वाले हैं आज। हम कैसे, मतलब मैं और विनीत करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक बात कर ली थी उनसे, तो आज विनीत को मिल गया नंबर और वो आया हुआ है, वो शूट कर रहा है और अब हम शूट करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, गाइस वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड एट द लोकेशन। तो हम सेक्टर 61 में है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। स्पीड ब्रेकर बहुत है नोएडा में ना, और कुछ सेक्टर्स में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे मेरा सेक्टर है और ये वाला सेक्टर है। तो हम पहुंच चुके हैं। अब हमने ढूंढना है विनीत को कि वो कहाँ है। वहाँ है विनीत। तो गैस वहाँ पर है विनीत, गोल्डन थार मुझे दिख चुकी है। और अब हम जा रहे हैं विनीत के पास। हाँ जी, बढ़िया एकदम। महंगी बातचीत हो रही है। महंगी कहाँ बातचीत हो रही है। ये गाड़ी लेके, फॉर्च्यूनर लेके है। और भाई क्या हाल है करण भाई? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। नहा धो के आया? अरे यार नहा धो के आएंगे और कैसे आएंगे, अभी लेट हो रहा है हाँ। तो गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया। हमारा जो विनीत है उसने बोला है कि शूट कर लो, तो हम शूट कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं करण वीर सिंह, AKA IamKVS। ठीक है, तो इनका एक YouTube चैनल है, वो ट्रैवल रिलेटेड है पूरा का पूरा। तुझे यही सब करना था तो शूट क्यों करा रहा है? तो ये है। बाकी आज हम इनकी थार की वीडियो बना रहे हैं। पोर्शे और एक और गाड़ी है आपके पास, Audi Q7। तो भाई अच्छे खासे, मतलब जैसे हम हैं वैसे भाई हैं, हम्बल। और आज हम शूट कर रहे हैं इनकी थार का। थार 700 रहने वाली है। कब की परचेज है ये? 2019। थार 700 लॉन्च हुई थी, इसके विदिन मंथ में कंपनी से स्टॉक सारा निकल गया था। ये लास्ट ऑफ इट्स काइंड थी बेसिकली। जब थार लॉन्च करी थी तो आनंद महिंद्रा सर ने एक पुरानी थार को अलविदा कहने के लिए, सांझली देने के लिए लास्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च करी थी। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने का गैप था, उसके बाद नई थार आई जो आजकल आप देख रहे हो। और मैं बोलूँगा वो थोड़ी सी गाड़ी टाइप बन गई है, बट अगर थार की बात करी जाए तो ये है रियल बीस्ट। एक्चुअली हमारे जब ग्रुप्स में जीप लाइफ में ये बात हो रही थी हाँ। कि भाई पुरानी थार अच्छी लगी या नहीं, तो मैंने भी यही बोला था भाई पुरानी थार ज़्यादा बेटर थी। नई वाली थार का एकदम डिज़ाइन एकदम चेंज कर दिया इन्होंने। हम सब का कनेक्शन ही बना था एक जीप लाइफ के थ्रू। ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम में और ये हम सब को फाउंडर हैं, हम सब ने साथ ही साथ किया था। उनकी वर्कशॉप है, उस थार के बेसिकली काम करवाने के लिए आप वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा काम है। तो गाइस ये सुन लिया आपने, ये हो गया हमारा पूरा इंट्रो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, थार में आपने क्या क्या करा रखा है उसके रिलेटेड। थार में ऑलमोस्ट पूरी मॉडिफिकेशन ही है। आप इसका बम्पर बोलो तो मेटल बम्पर है, और ये स्पेशल एडिशन जो थी ये सिल्वर बैजिंग के साथ आई थी, तो इसमें मैंने गोल्ड क्रोम बैजिंग दी है। और हार्ड टॉप है, ग्रिल पूरी चेंज है और एंग्री बर्ड ग्रिल अगर आप देख सकते हो। और उस समय ये ग्रिल बहुत चल रही थी, जैसे आज जीप रैंगलर वाली चल रही थी। जैसे आप कहीं पर भी जाओ तो जीप रैंगलर की ग्रिल बहुत कॉमन हो जाएगी। मैंने भी सोचा स्विच करूँ, बट अब मैंने वहाँ पे कॉमन चीज़ में नहीं जाती, थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए यार। और एलईडी लैम्प, फॉर्म, ये जो बैचिंग्स हैं सारी मैंने गोल्डन करवाई है। आप थार का देख सकते हो, गोल्डन में है, गोल्डन में। तो गाइस आप देख पा रहे होगे थार की गोल्डन में है, और साथ में हेडलाइट्स भी चेंज करा रखी हैं। इसमें एलईडी रहने वाली है विद DRL। हाफ मून कह सकते हैं इसे, और बेसिकली ये हाफ नीचे तो हाफ ऊपर। अच्छा ओके, तो उसके नीचे से नहीं दिख रही। हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। और इसकी ग्रिल भी मैंने एंग्री बर्ड इसीलिए सोची है क्योंकि वो आंखें थोड़ी गुस्से में दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो मैंने गाड़ी का नाम रख रखा है वैसे जब मैंने खरीदी थी, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट है, तो मैं एक इसको नाम दिया था मैंने खालसा। अच्छा। और मैं आप बता देता हूँ जो ये गाड़ी लॉन्च हुई थी स्पेशल एडिशन 700, तो इसमें ये पैकिंग है तो आनंद महिंद्रा सर जो कि ओनर हैं महिंद्रा के, उनके सिग्नेचर हैं, ऑटोग्राफ हैं। 700 है, 700 का सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिर्फ 700 गाड़ियाँ बनी थी, तो ऑल ओवर इंडिया ये सिर्फ 700 गाड़ियाँ हैं, उनमें से ये सब अब गोल्ड बैजिंग में आप देखोगे। इसकी स्ट्रिप जो सिल्वर आती थी वो मैंने गोल्डन करवा ली है, तो ओनली वन इन इंडिया है आप कह सकते हो। हाँ। और इसके अलॉय ये कंपनी फिटेड है, मैंने अलॉय चेंज इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि एक तो अलॉय बाहर से लगवाना अलग हो जाता है, बट अगर आप कोई चीज़ कंपनी फिटेड रखते हो और इसकी ओरिजिनलिटी जिससे पहचान है इसके साथ, तो ये सिग्नेचर और ये सब तो है ही, अलॉय एक पहचान है। और अगर मैं चेंज भी करवाता हूँ, रिम का सोच रहा हूँ, बट मैं ये रखूँगा अलॉय घर में ही सजा दूँगा क्योंकि भाई पहचान है। साथ में इसमें जो टायर्स हैं वो लगे हुए हैं मैक्सिस के बिग हॉर्न 764 और एम्प्टी टायर रहने वाले हैं। आप गुड्डी का शेप देखते हैं, टायर है क्योंकि उस समय मेरा स्टार्टिंग में था ऑफ रोडिंग का, मैंने काफ़ी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रखा है, हम मांगरवानी गए हैं, बहुत बार साथ भी गए हैं, डेथ वैली गए हैं, और ऑफ रोडिंग जंगलों में ऐसे जाने का शौक था, तो भाई मतलब चलो मट ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन तो नॉर्मल गाड़ियों में होते ही हैं। आ जाए इसके बाद ये हमारे जो रियर व्यू मेरा है ये रैंगलर का है, जीप रैंगलर। अगर आप देखोगे ओरिजिनल है, आप आगे चेक कर सकते हो। इसमें आप अगर आप देखोगे मैं ओपन करता हूँ तो इसमें लाइट आती है। हाँ, कुछ लोग वो भी लगवा लेते हैं इसमें कॉपी जो चाइनीज आती है, बट वो सक्सेसफुल नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, तो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी से देख सकते हो, चीज़ें क्वालिटी से पता चल जाती हैं, तो जो चाइनीज आते हैं वो तो हवा से हिल जाएंगे सच बताऊँ तो। उसके बाद मैंने इसमें भी गोल्डन करवाया है, पहले मैंने जो बैजिंग थी गोल्डन कलर की, क्रोम नहीं थी, सैटन थी, सैटन गोल्डन थी, अब मैंने इसे क्रोम, बिकॉज मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है। मुझे 3 चीज़ पसंद है कलर, एक है ब्लैक जो मेरी गाड़ी का रंग है, दूसरा गोल्डन जो मैं इसमें अप्लाई करवा रहा हूँ, और तीसरा वाइट। और भाई अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को बोल रहे थे कि भाई मुझे अपनी पूरी गाड़ी गोल्डन करानी है, तब मैंने बोला था भाई मत कराना, मैंने देखी है 2-3 गाड़ी नोएडा में ही स्पेसिफिकली। यार पता नहीं क्यों वो, बट इजी डिसीजन नहीं है, और हमारे लॉज भी ऐसे हैं कि रैप कराना अलाउड नहीं है भाई, वो तो अलग ही झलकेगा ना वो रैप ही ऐसा है कि वो अलग झलकेगा, और मतलब भीड़ जम जाएगी। हाँ, वो भी नहीं चाहता मैंने इसमें स्पेशल लगा रखा है टायर को बाहर निकालने के लिए, ये ड्रम के साथ स्पेशल लग रखा है, और ड्रम्स भी रेड करा रखे हैं, फ्रंट डिस्क भी रेड करा रखी है और ड्रम्स भी रेड करा रखे हैं। नीचे आपको फुटस्टेप देखने को मिल जाता है। ये ओरिजिनल वाला है? नहीं। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है। और पूरा मेटल हार्डकोर टाइप ऑफ रोडिंग बेस में, ओरिजिनल वाला तो नहीं। आ जाओ, इसके बाद बैग की बात करूँगा तो बैग से सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका हार्ड टॉप मैंने करवाया है चंडीगढ़ रेबेट। ओके, रेबेट मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मुझे सुनने में आई थी उस समय हार्ड टॉप की, और अभी तक मुझे कोई शिकायत तो नहीं आई है। एक इसमें था कि मतलब जो इसके जॉइंट थे ना उसको थोड़ा जंग लग रहा था, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर का पानी, भाई नोएडा का पानी है ही ऐसा, वो इशू नहीं है, नॉर्मल गाड़ी गला देता है यार। चौक अगर यहाँ पर हो जाए या कहीं पर भी हो जाए तो वहाँ जंग लगने का रहता ही है। तो फिर मैंने इसमें अभी रीपेंट करवाया है। और बाकी रेबेट वाले बोल रहे थे आप गाड़ी भेज दो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रीपेंट कर देंगे, बट यहाँ से चंडीगढ़ भेजूँ और फिर आऊँ और वेट करूँ, मुझे इतना नहीं। तो भाई लोगों की अपनी वर्कशॉप है तो मैं वहीं पर काम करवाया। हार्ड टॉप इसके आपने देखे होंगे, बहुत सारे डब्बे वाले हार्ड टॉप होते हैं थार के, बट मैंने वो नहीं चूज किया, मुझे कस्टमाइज करवाना था। स्लांट दिया है, हल्का सा स्लांट दिया है, बिकॉज इसको मैंने उससे डिस्कस किया, उन्होंने बोला थोड़ा स्पोर्टी लुक आ जाएगी और अंदर से भी कंफर्टेबल है तो अच्छा है, क्योंकि पीछे से वो चलते हुए डब्बा मुझे पसंद नहीं आती पर्सनली। तो ये आप अपनी गाड़ी अपने हिसाब से बना सकते हो, थार में बेस्ट चीज़ होगी। और गाइस ये साइड में इन्होंने इंडिकेटर्स लगवा रखे, सेम एज माइन। मैंने भी जिप्सी में साइड में बम्पर में इंडिकेटर्स लगवाए थे, बट इन्होंने यहाँ पर लगवा रखे। बाकी मैंने इसके जो गिलासेस हैं वो टेंट करवा रखे हैं, जो कि इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वाला टेंट नहीं है। जेड ब्लैक पे हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, मैंने 50% टेंट करवाया है, वो भी स्मार्ट टेंट कंपनी का। और लाइक आप जा सकते हो, बहुत सारी कंपनियाँ CMB टेंट प्रोवाइड करता है, तो आप करवा सकते हो। और आप लॉ भी आ चुका है, अगर आपको लॉ की नॉलेज हो, बट इंडिया में लॉ क्लियर नहीं आता, कंफ्यूजन बहुत है। और लाइक मुझे ही प्रिवेंट करनी, हमारा कहने का मतलब है भाई पुलिस अभी भी रोक सकती है हमारे को इंसिडेंट्स के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ ठीक है, अपने तरीके से शौक पूरे करने। हाँ तो गाइस यहाँ पर ये भी गोल्ड में कराया हुआ है, भाई को गोल्ड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में अंदर की तरफ बेज है। विख्यात भाई, हाँ इन दिस थार आ जाओ। इसमें ना मुझे जो बेस्ट लगता है इसका, अगर हम आप फॉर्च्यूनर चलाते हो बेसिकली, तो आपको फॉर्च्यूनर का रोड प्रेजेंस ही अच्छा लगता हुआ, तो वैसे ही इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। लाइक यू आर सिटिंग हेयर, आप देख रहे हो, तो मुझे फॉर्च्यूनर छोटी लग रही है। आप एक बार यहाँ से दिखाओ, तो लिटरली फॉर्च्यूनर थोड़ी डाउन लग रही है और आपको एक किंग वाली फीलिंग आएगी। हम थार में जाते हैं तो ज़्यादा फीचर्स के बारे में नहीं सोचते, और ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर में भी सेम है, फीचर्स इतने नहीं है। अगर आप इनोवा देखो तो कितने फीचर्स दे रखे हैं और फॉर्च्यूनर में नहीं है। ऐसी थार में फीचर्स के बारे में नहीं सोचते, बट मैंने फीचर्स जो बेस्ट दे सकता था वो दे रखे। जस्ट लाइक थार और फॉर्च्यूनर इज लाइक ड्यूरेबल एंड माचो। इसमें फीचर्स के लिए लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था। गाड़ी के अंदर घुसने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है मर्सिडीज स्टाइल, आपको जो अपने AC वेंट्स होते हैं तो ऐसे कुछ दिखते हैं, और साथ में एक सोनी का म्यूजिक सिस्टम। और बेसिकली ये AC वेंट आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो कलर। आप लाइक फ़ोन में एक कार्डी की ऐप है, ये कार्डी कंपनी के है बेसिकली AC वेंट, तो ये AMG में मर्सिडीज़ में आपको अवेलेबल होते हैं, तो मैंने इसमें फिट करवा रखे हैं। नीचे एम्बियंस लाइट दे रखी है और वो लाइट भी इस AC वेंट से कनेक्टेड है। सेम ऐप से आप ये कर सकते हो कलर चेंज। बाकी इसमें नीचे 4 लाइट भी दे रखी है। मैंने सीट्स, रूफटॉप और बैक सीट सब कुछ बेज कलर में दी है। तो बेस्ट चीज़ ये लगती है, आप सारी चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा रहे हो, तो यू कैन फील कि आपकी अपनी गाड़ी है। इसके अलावा मैंने इसके सोनी का सिस्टम दे रखा है, इसके फोकल के मैंने स्पीकर दे रखे हैं और ट्विटर लगा रखे हैं। ऊपर वेबेस्ट्रो की सनरूफ है, और वेबेस्टो इज़ अ जर्मनी कंपनी, जर्मन की कंपनी है। और जो हमारी मर्सिडीज है, मर्सिडीज भी अपनी सनरूफ खुद नहीं बनाता, वो वेबेस्टो की सनरूफ यूज़ करता है। अगर आप पैशनेट हो गए अबाउट योर कार, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं अभी हम सीट में बैठे हैं भाई, सीट कंफर्टेबल है भाई, सीट कंफर्टेबल है। तो जो सीट में बैठे हैं ये इनोवा क्रिस्टा की सीट है, 2019 वाली मॉडल की। पीछे बेबी सीट दे रखी है इनोवा की। अच्छा, और मैं आपको सनरूफ भी दिखा देता हूँ। ये कुछ सनरूफ रहने वाली है, ये इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है और ये वेबेस्टो की है। राइट, तो इसमें ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमारा दिल्ली में ही है, तो कोई भी इशू आता है आप डायरेक्ट जाओ। और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और अभी 4 साल हो गए हैं, मुझे कोई इशू नहीं आया है सनरूफ के साथ। तो टचवुड मतलब काफ़ी अच्छा इसका चल रहा है। मैंने हैंड रेस्ट बना रखा है, अपने सन गॉगल्स और ये सब छोटा मोटा सामान रखने। और ये वुडन रहने वाला है, आई थिंक वुडन है। वुडन, हाँ। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम पीछे iamkvs, तो भाई को जाके सब्सक्राइब भी करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना। भाई बहुत बढ़िया कंटेंट डालते हैं, और जो कि मैं आपको बताऊंगा फ्रैंकली कि मैंने भी भाई को फॉलो करा हुआ है और सब्सक्राइब करा हुआ है, तो आपको भी करना चाहिए। बस बड़े भाई लोगों का प्यार है और कुछ नहीं, और बस यही है। आपको एक बार गाड़ी चला के दिखाते हैं, आप चलाओ। क्योंकि हमारा एक रूल है, जैसे कि आपको विनीत के चैनल पे देखता होगा कि विनीत चला रहा होता है गाड़ी, बट हमारा एक रूल है कि हम किसी भी कस्टमर हो या क्लाइंट हो गाड़ी नहीं चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं जो एक्सपर्ट हो वही गाड़ी चलाए उनकी। राइट, आई ऑल्सो प्रेफर कि मैं किसी और की गाड़ी वैसे ड्राइव नहीं करता अनटिल कोई सामने से ना बोले कि भाई चलाओ चलाओ, तो भाई अलग बात होती है। और कोई ऐसी ड्रीम कार हो, जी वैगन, तो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई चलाने को देते तो हाँ अलग चीज़ है। बट वैसे आई डोंट प्रेफर कि मैं किसी की गाड़ी ड्राइव करूँ, क्योंकि हर बंदे का ना हाथ सेट होता है अपनी गाड़ी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका अगर आप प्रेजेंस आप देखो, रोड सामने देखो कितना, मतलब अलग ही फील आ रही है। और प्रेजेंस तो बहुत तगड़ा है और बॉडी रोल भी बहुत तगड़ा है, जो कि थार में होता ही है। इनफैक्ट जिप्सी में मेरी बॉडी रोल बहुत तगड़ा था, जो कि आप लोगों को पता ही है। करण भाई, ऑडी चलाने के बाद कैसा लगता है थार चलाने में? लाइक मतलब ऑडी Q7 है मेरे पास, बट पर्सनली मैं हमेशा यही निकालता हूँ, ऑडी बहुत कम निकालता हूँ। जो सेम एज मी, मैं भी अपनी जो क्रेटा है वो ज्यादा निकालना प्रेफर करता हूँ। मेरे साथ तो ये रीजन है ना कि मेरी जो मर्सिडीज है, पहली बात तो वो V6, सेकेंड उसमें AMG का काम हो रखा है, थर्ड वो माइलेज बहुत गंदा देती है। नहीं, मेरा रीजन डिफरेंट है। अच्छा, ये जो गाड़ी है ना मेरी ड्रीम कार है। अच्छा, लाइक इसके सामने आप मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी कर दो, अब बोल दो इस गाड़ी को छोड़ना होगा, तो मैं छोड़ नहीं सकता इसे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट, मैंने बताया मैंने गाड़ी को नेम दे रखा है, तो मैं इस गाड़ी से बहुत इमोशनली अटैच हूँ। मेरी ड्रीम कार है, मुझे मैंने ड्राइविंग सीखी थार में है, तो मेरी जो जर्नी है और आगे तक की स्टोरी है इसमें, तो इससे बहुत कनेक्टेड है। सो थार को तो नहीं छोड़ सकते, बट हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ना नहीं है, बढ़ना जरूरी है, शौक बढ़े, बढ़ना भी जरूरी है। हमारे को भी चाहिए कि हमारे करण भाई जी वैगन में एक दिन चलाएं, और हम उनकी वीडियो बनाने आए। बाकी आगे से आप देख पा रहे होंगे जो क्रोम आगे लगा रखा है, गोल्ड क्रोम, उसका जो आपको रिफ्लेक्शन है वो यहाँ तक दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बाहर वालों को तो कैसी फील आती होगी, एक रिएक्शन वीडियो बनना चाहिए, बट यहाँ पर आज एक्चुअली हम लोगों को सब लोग जानते हैं, तो कोई ऐसा रिएक्शन आने नहीं वाला। लाइक मैं बहुत जगह निकलता हूँ मार्केट में, तो एक टाइम था जब मेरे पास थार नहीं थी, मैं I-10 में चलता था, तो मैं लोगों को देखता था, थार आती थी ना भाई, मैं क्रेजी हो जाता था, ओ माय गॉड थार है थार है थार है। और वो होता नहीं है जो चाहिए मुझे, देखते हैं वाओ क्या गाड़ी है, क्योंकि तो नॉर्मल गाड़ियाँ आप बहुत देख लोगे, फॉर्चूनर भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट ये ऐसी गाड़ी है कि आपको इजीली नहीं दिखती, और हर बंदे की अलग होती है। भाई ये एक ऐसी गाड़ी मुझे फील होती है जो थार 700 है या पुरानी थार CRD कह लो, इसका एक टाइम था, अब वो टाइम के बाद गाड़ियां ना जाती जा रही हैं एकदम। हाँ। अब इन गाड़ियों का कमबैक होगा, जब दिल्ली NCR में बहुत कम थारें बची होंगी ना, तब ये वाला कमबैक वापस आएगा कि लोग इन गाड़ियों को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट इस गाड़ियों की अभी भी है। और लाइक मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, मैं देखता हूँ स्कूल बसेस में या रिक्शाज में जाते हुए, वो गाड़ी को ऐसे देख रहे होते हैं बच्चे, अपने आप वेव कर देते हैं, तो यार एक फीलिंग आती है, क्योंकि मुझे पता है मैं उस फेज से गया हुआ हूँ। मेरी भी ड्रीम थी थार की, और अगर ये 2 सीटर कार है, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि बंदे भर के लेके जाओ और फैमिली कार की तरह यूज करो। भाई ये गाड़ी ऐसी है ही नहीं, पीछे आपने सीट्स लगा रखी है लेकिन कोई बैठता नहीं होगा, बहुत कम। तो आपको पता है कि ये 2 सीटर है, फैमिली कार नहीं है, तो आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे आपको ये दिलवाने के लिए। और अगर आप खुद भी अपनी इनकम से ले रहे हैं, तो आप 10 बार सोचोगे कि यार मैं ऐसी गाड़ी ले रहा हूँ जो मैं सिर्फ 2 बंदे चला सकते हैं, कंफर्टेबल थोड़ी कम है, और सिर्फ मेरा शौक है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो ठीक है, बट एक वाइज मैन सोचता है कि फैमिली कार की तरफ जाऊँ, फैमिली कार देखूँ, तो ये हर जगह आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना कर दिया था थार नहीं लेके दूंगा, बट मैं भी जिद्दी हूँ कि मुझे थार चाहिए, वरना कोई गाड़ी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी कार। और लाइक मेरी ड्रीम थी, तो ड्रीम को हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है अगर आप सोचो, करो और कंसिस्टेंट रहो। बस ये सारी चीज़ें हैं, पैशनेट रहो, मेहनत करो हर चीज़ के लिए, माइंडसेट रखो तो हो जाएगा। माइंडसेट ही नहीं है कि नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी, कहते हैं किस्मत तकदीर इन सब में बट उससे पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, फिर इन सब में भरोसा करना आएगा। सही कहा भाई, एकदम सही कहा। इतना मोटिवेट कर दिया कि मेरा मन कर रहा है मैं जिम चले जाऊँ। चलो अच्छा, एक और फीचर आपको दिखाता हूँ। विंडो ओपन कर देते हैं। हाँ जी आ जाओ। चलो भाई हम निकल रहे हैं, लेट हो गए हैं और हमें मूवी जाना है। आ जाओ। भाई लेकिन शीशे तो बंद ही नहीं करे। अरे भाई भूल गया, बट गाड़ी जब भी लॉक करूंगा ना ऑटोमेटिकली शीशे बंद हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होगे ये शीशे ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं। तो थैंक यू करण भैया, और थैंक यू भाई फॉर कमिंग, काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे मिलते रहा करो, कोशिश तो पूरी रहती है लेकिन हम भी थोड़े से बिजी रहते हैं। एक ये उड़ता पंछी है, ये थोड़ा सा बिजी कम रहता है, ठीक है। तो इसको कभी भी कॉल करके वीडियो बनवानी हो बनवा लो, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है मैं इसके साथ आ जाऊँ। फेमस यूट्यूबर आजकल के टाइम में एसपी साहब का फोन आ रहा था। हाँ अच्छा ओके। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एसपी साहब का फोन आ रहा है तो उठाना तो पड़ेगा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक इट। जो जो होता है वो कर देना, बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। घंटी आ रही है, घंटी दबा दो। भाई की जल्दी जल्दी बात के करा दो। तो भाई ने कैमरा भी ले रखा है, तो कैमरे के अंदर आपको पता ही है क्या क्वालिटी आती है, पीछे का बर्चर वगैरह अच्छे से जब आप सेट कर। चलो भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय। साथ में वो तेरी घंटी भी है, तेरे पास घंटी भी है।